खबर झांसी से है, जहां अलीगढ़ में हुई जहरीली शराब कांड के चलते अब कांग्रेस ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने को लेकर एक दिवसीय प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ में हुई घटना के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए आबकारी मंत्री से इस्तीफे की मांग तथा लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद उनके परिजनों को सरकार से उचित मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है, जिसके चलते झांसी के मऊरानीपुर में भी उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में मऊरानीपुर के रानी लक्ष्मीबाई चौराहे के नजदीक स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। आज आप लोग धरना प्रदर्शन किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं? देखिए, आज हमारा धरना पूरे उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक, तहसील, जिला और पूरे प्रदेश में ये धरना चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में शासन प्रशासन की मिलीभगत से अवैध शराब का कारोबार बहुत जोरों पर चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसके चलते अवैध शराब और कच्ची शराब पीने से अलीगढ़ में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है? आज मरने वाले के परिवारों की क्या हालत है? आज हम इसलिए यहाँ पे धरना देकर बैठे हैं कि आबकारी मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और जो इसमें दोषी है ऋषि शर्मा, उसको कठोर दंड दिया जाए और जो पीड़ित परिजन हैं शराब से जिनकी मौत हो गई, उनके परिवारों को न्याय दिया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार उनको मुआवजा दे। मैं तो राज्यपाल जी से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपराध रोकने में, अवैध शराब रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। ऐसी भाजपा सरकार को, योगी सरकार को, राज्यपाल जी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए।